समोसे बिना डीप फ्राई के एयर फ्रायर में सभी हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए। समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, बॉयल्ड आलू, हरा धनिया, हरी मिर्ची, पनीर, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च, अजवाइन और घी। अब मैं समोसे का डो तैयार करने लगी हूँ। मैदे में मैं अजवाइन डालूँगी। पहले अजवाइन को थोड़ा सा हथेली पे ऐसे करके डाल लो तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। इसी के साथ नमक डालेंगे। नमक मैदे के अकॉर्डिंग डालना, मेरा मैदा ज़्यादा है तो मैं उसके हिसाब से डाल ली हूँ, आप अपना देख के डालना। नमक और इसमें डालेंगे घी। घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया मैंने। अब इसका डो ऐसे, अभी पानी नहीं डालना है, इसका मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि अगर हम मुट्ठी में ऐसे करते हैं तो इस टाइप से डो होना चाहिए। अब हम इसमें पानी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसको गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा घी लगा के इस तरह गूंथते जाइए। डो तैयार होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। गूंथने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अब थोड़ा सा ऊपर घी लगा के अब हम पिट्ठी तैयार करेंगे। मैंने गैस ऑन कर लिया, इसमें हम ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दो। इनको हल्का सा ही करना है, ज़्यादा वो फ्राई नहीं करना मिर्चों को। इसी के साथ हम आलू ऐड कर देंगे। गैस सिम पे कर देंगे। इसी में हम अब पनीर भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसी के साथ लाल मिर्ची भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। सूखा धनिया डालूंगी मैं 2 बड़े चम्मच। थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इनको मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो सारे आलूओं में मिक्स हो जाए अच्छे से। अब जो हमारे आलू मिक्स हो गए हैं इसमें मैं कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डालिए, मेरे बच्चे शौक से खाते हैं तो मैं डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको गैस बंद कर देनी है और इसको ठंडा होना रखेंगे क्योंकि समोसे जब बनाने हैं उसके अंदर हमें इसको ठंडा करके फिल करना है। अब हमारे डो को आधा घंटा हो गया रेस्ट पे रखे। अब हम समोसों की स्टफिंग भरना शुरू करते हैं। अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। इसे एकदम पतला बेलना है हमें। अब ये बेल चुका है, अब इसको हम बीच में से कट लगा लेंगे।
क्योंकि हमें इसमें से दो समोसे हमारे बन जाएंगे। इसके बाद हमें इनके साइड्स में थोड़ा पानी से कॉर्नर्स पे पानी लगा देना है। ये पानी इसलिए लगाना है क्योंकि हमें शेप देनी है, तो ये मैदा है तो ये शेप बन जाएगी, सही चिपक जाएगा। लगाने के बाद हमें समोसे की शेप देनी है ऐसे। उसके बाद हम इसको आलू की पीठी इसके अंदर भर देंगे। एक बार कॉर्नर्स पे अब फिर से पानी लगा के हम इसको शेप देंगे। यहाँ से दबा देंगे। ये हमारा समोसा तैयार है। आज हम हेल्दी समोसे बना रहे हैं, इसलिए हम इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे, इनको हम एयर फ्रायर में बनाएंगे। मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर समोसे रखेंगे। समोसे रखने के बाद हम इस पे ब्रश से ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयलिंग करने के बाद अब हम इसको बंद करके अब हम एयर फ्रायर में 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए इसको सेट करेंगे, और हम 20 मिनट के बाद इसको फिर खोल के चेक करेंगे कि हमारे समोसे हुए हैं रेडी के नहीं। चलिए अब हम इनको खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारे समोसे एकदम गोल्डन हो गए हैं। पीछे से थोड़े से अभी कच्चे हैं, इनको हम साइड चेंज कर देंगे और बैक साइड पे थोड़ा थोड़ा ब्रशिंग करेंगे। ब्रशिंग करने के बाद हम इनको 10 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर में रख देंगे। फिर से दस मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको खोल कर देखूंगी। ये देखिए पीछे से भी एकदम गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इनको बाहर निकालूंगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये समोसे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके।